अच्छा एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए बच्चों, ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, एक बार आप इसको वीडियो पॉज करके आराम से पढ़ लो और ट्राई करो कि आप सॉल्व कर पा रहे हो क्या इस क्वेश्चन को, ठीक है। देखिए अब ये क्वेश्चन कहता है कि एक सेट है, ठीक है, मान लीजिए ए नाम दे देते हैं उसको, सेट ए। सेट ए में क्या आएंगे? सारे पॉलीगन्स। पॉलीगन्स क्या होते हैं? जिनमें मल्टीपल साइड से क्लोज्ड फिगर जो बनता है, जैसे कि ट्राइंगल है ना, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन एंड सो ऑन। तो सारे पॉलीगन्स को इकट्ठा करके उन्होंने एक सेट बना दिया, ठीक है। फिर एक रिलेशन डिफाइन किया और रिलेशन में क्या बोला, P1 और P2 क्या रिप्रेजेंट करते हैं? दो पॉलीगन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो उन्होंने बोला कि दो पॉलीगन में क्या रिलेशन है, कि सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं, ठीक है। P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, ये एक उन्होंने रिलेशन डिफाइन कर दिया। फिर पूछ रहे हैं कि ये प्रूव करके दिखाओ कि ये रिलेशन है जो, ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। पहला क्वेश्चन तो ये है, और सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं कि जो एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल विथ साइड 3, 4 एंड 5, ठीक है, तो इससे रिलेटेड सारे पॉलीगन्स के बारे में बताओ कि कौन कौन से पॉलीगन्स होंगे जो इससे रिलेटेड होंगे, ठीक है। और रिलेशन क्या ध्यान रखना है कि सेम नंबर ऑफ साइड्स होनी चाहिए पॉलीगन की। तो देखिए सबसे पहले इसको शुरुआत में सबसे पहले प्रूव करेंगे इसको कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, फिर क्या करेंगे सिमेट्रिक और फिर ट्रांजिटिव। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होता है कि ए शुड बी रिलेटेड टू ए फॉर एवरी ए बिलोंगिंग टू गिवन सेट, ठीक है। ये डेफिनेशन होती है रिफ्लेक्सिव की। तो मान लीजिए कोई एक पॉलीगन है पी, ठीक है, लेट पी वन इज सम पॉलीगन, ठीक है, सम पॉलीगन ऑफ साइड एन। मान लीजिए एन साइड का एक पॉलीगन है पी वन, ठीक है, तो पी वन इज रिलेटेड टू पी वन। क्यों? क्योंकि पी वन में और पी वन में दोनों में सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं, यानी कि एक पॉलीगन खुद से ही रिलेटेड होगा क्योंकि सेम नंबर ऑफ साइड्स होंगे ना, बहुत ही ऑब्वियस है। तो P1 और P2 दोनों में ही सेम साइड्स हैं, तो P1 इज रिलेटेड टू P1। दिस इम्प्लाइज दैट P1, P1 बिलोंग टू R फॉर एवरी P1 बिलोंगिंग टू सेट A, ठीक है। आप चाहें तो एक बार स्टार्टिंग में लिख सकते हैं कि लेट द सेट ऑफ ऑल पॉलीगन्स इज सेट A, उसको नाम दे दिया हमने A। उन्होंने दिया नहीं एग्जाम में नाम, सिर्फ लिखा है कि सेट ऑफ ऑल पॉलीगन्स। तो सेट ऑफ ऑल ऑल पॉलीगन्स को आप पहले लिख दीजिए एक बार कि लेट ए रिप्रेजेंट प्रेजेंट्स द सेट ऑफ ऑल पॉलीगन्स, ये आप स्टार्टिंग में एक बार लिख दीजिए, ठीक है, ताकि पता रहेगा एग्जामिनर को कि आपने ए क्या माना है। फिर उसके बाद आप डेफिनेशन लिखिए रिफ्लेक्सिविटी की, फिर उसके बाद लॉजिक लिख दीजिए कि पी वन इज सम पॉलीगन ऑफ साइड एन और पी वन इज रिलेटेड टू पी वन बिकॉज बोथ दी पॉलीगन्स पी वन एंड पी वन हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। कुछ क्वेश्चन बच्चों इतने ही ऑब्वियस होते हैं कि बच्चों को सोचने में लगता है कि इसमें है ही क्या, ठीक है, मगर ये जो प्रोसेस है स्टेप बाय स्टेप लिखने का जो तरीका है वो इम्पॉर्टेंट है, वो आपको लर्न करना है, ठीक है। समटाइम्स लॉजिक भी कुछ कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम लॉजिक बहुत सिंपल होते हैं, ठीक है। जैसे कि ये है P1 और P1 रिलेटेड है क्योंकि दोनों में सेम नंबर ऑफ साइड्स है, तो हैंस रिफ्लेक्सिव, ठीक है, हैंस रिफ्लेक्सिव शॉर्ट में लिख रहा हूँ बच्चों, आप पूरा लिख सकते हैं कि हैंस द गिवन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है। सिमिलरली सिमेट्रिक के लिए प्रूव करेंगे। सिमेट्रिक में क्या होता है बच्चों, यदि ए और बी या पी वन और पी टू रिलेटेड है तो पी टू और पी वन भी रिलेटेड होंगे, ठीक है। डेफिनेशन लिख देंगे ए बी बिलोंग्स टू आर, दिस इम्प्लाइज दैट बी ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए एंड बी बिलोंगिंग टू ए, ये होती है डेफिनेशन ऑफ सिमेट्रिसिटी। लेट पी वन कॉमा पी टू बिलोंग टू आर, ठीक है, देयरफॉर पी वन एंड पी टू हैव सेम नंबर ऑफ साइड। भाई दोनों आपको पता है कि पी वन और पी टू कब रिलेट होंगे, जबकि दोनों की साइड सेम होंगी। तो हमने मान लिया कि लेट पी वन पी टू बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब पी वन और पी टू में साइड्स नंबर ऑफ साइड्स इक्वल है, ठीक है। तो पी वन पी टू हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, सेम नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है।
तो देयरफॉर पी टू इज रिलेटेड टू पी वन, ठीक है, हैंस दिस इज सिमेट्रिक, लिख दीजिए हैंस सिमेट्रिक। थर्ड क्या है, ट्रांजिटिव प्रूव करना है ना, ट्रांजिटिव, ये भी बहुत ऑब्वियस है बच्चों। मान लीजिए पी वन एंड पी टू बिलोंग्स टू आर एंड पी टू एंड पी थ्री बिलोंग्स टू आर एज वेल, इट मीन्स क्या है कि पी वन और पी टू में सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं, पी टू और पी टू और पी थ्री में भी सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं, दैट इज नंबर ऑफ साइड्स इन पी वन इज इक्वल टू, बच्चे ये लिखने के ही आपके मार्क्स हैं एग्जाम में, है ना, ऑब्वियस ही चीज़ है लेकिन आपको लिखना भी आना चाहिए। तो नंबर ऑफ साइड्स इन पी वन इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स इन पी टू एंड नंबर ऑफ साइड्स इन पी टू इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स इन पी थ्री, देयरफॉर नंबर ऑफ साइड्स इन पी वन इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स इन पी थ्री। दिस इंप्लाइज दैट पी वन कॉमा पी थ्री बिलोंग्स टू आर, हैंस इट इज ट्रांजिटिव। अब सिंस दिस इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एज वेल एज ट्रांजिटिव, देयरफॉर दिस रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है बच्चों, ऐसे प्रूव कर दिया इसको। उसके बाद सेकेंड पार्ट क्या था, वॉट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू, अच्छा इन द सेट ए बेटा, ये ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ ना, सेट ए दिया हुआ नाम है ना, तो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये लाइन उन्होंने ऑलरेडी दे रखा है ना, चलिए मैंने मिस कर दिया शायद, देख नहीं पाया, तो आपको ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं। तो अब क्या है, वॉट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू द राइट ट्राइंगल टी विथ साइड्स 3, 4 एंड 5। तो बच्चों एक ट्राइंगल से रिलेटेड कौन कौन से पॉलीगन होंगे, ऑब्वियसली जो रिलेशन की डेफिनेशन है उसके हिसाब से क्या होना चाहिए कि तीन साइड्स होना चाहिए, यानी तीन साइड्स के जितने भी पॉलीगन्स हैं वो इस ट्राइंगल से रिलेटेड होंगे, और तीन साइड्स के पॉलीगन के बच्चों हम क्या बोलते हैं, ट्राइंगल। तो ऑल दी एलिमेंट्स या सेट ऑफ व्हाट इज सेट ऑफ ऑल दी एलिमेंट्स, ऑल दी एलिमेंट विच आर रिलेटेड टू दिस ट्राइंगल इज सेट ऑफ ऑल दी ट्राइंगल, ठीक है, इन सेट ए। तो आप इस सेकेंड पार्ट का आंसर क्या लिखेंगे बच्चों, सेकेंड पार्ट का आंसर होगा बच्चों, देखिए ऑल द ट्राइंगल्स इन सेट ए, ठीक है, ये आपके गिवन ट्राइंगल से रिलेटेड हो जाएंगे, बिकॉज सबकी रूल क्या था रिलेशन का कि सेम नंबर ऑफ साइड्स होनी चाहिए, और इस ट्राइंगल में भाई किसी भी ट्राइंगल में तीन साइड्स होती हैं, तो जितने भी ट्राइंगल्स हैं वो आपस में रिलेटेड हो जाएंगे। इसी तरह से यदि ट्राइंगल ना कि स्क्वायर का आ गया, तो जितने भी क्वाड्रिलेटरल है, ध्यान रखना यदि स्क्वायर पूछ लिया तो आप आंसर में ये बता लेना कि ऑल द स्क्वायर्स ऑफ द गिवन सेट ए, आप लिखना ऑल द क्वाड्रिलेटरल ऑफ गिवन सेट ए आर रिलेटेड टू द स्क्वायर इन द दिस, बिकॉज नंबर रूल नंबर ऑफ साइड्स का है, ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है कि वो साइड्स आपस में इक्वल हों या उनका कुछ स्पेशल रेशियो ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ तीन साइड चार साइड पाँच साइड का रेशियो, ध्यान रखना एग्जाम में यदि स्क्वायर के लिए आ गया तो आंसर में ऑल द स्क्वायर्स मत लिखना, ऑल द क्वाड्रिलेटरल लिख के आना पड़ेगा आपको, ठीक है बच्चों। Thank you.